ऋषिकेश, इस बीच आपके पास मैं आ रही हूँ। वाकई लोकसभा चुनावों के बाद यूपी की ये 9 सीटों का उपचुनाव एक प्रतिष्ठा का नाक का सवाल तो बन ही गया है। तमाम तरह की पोस्टर वॉर्स यहाँ पर चल रही है, और अब आखिरी जो एक और मुद्दा है तारीख बदलने को लेकर, वो भी यहाँ पर एक बड़ा मुद्दा बनता दिखेगा। पूजा, देखिए, इसके पीछे समाजवादी पार्टी और विपक्ष के नेताओं और प्रत्याशियों को लगता है कि जितना ज़्यादा ये चुनाव की तारीख आगे बढ़ रही है, उतना ही उनके सामने मुश्किलों का सामना और ज़्यादा बढ़ेगा। मुश्किलें मसलन उनके कार्यकर्ताओं पर अलग तरीके के केस ला दिए जाएंगे, उन्हें चुनाव प्रचार से रोका जाएगा। उनके यहाँ चूंकि संसाधन बेहद सीमित हैं, तो उनके संसाधनों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने के लिए उन पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा, और इसीलिए अलग अलग जगहों पर देखिए कि बराबरी का मुकाबला कहा जा रहा था, 10 में से 5 सीटें आरएलडी को जोड़कर समाजवादी पार्टी के साथ थी, अब हालांकि 4 ही रह गए हैं, बाकी 6 उधर हैं, लेकिन 4 और 5 की लड़ाई है। समाजवादी पार्टी चाहती है कम से कम वो सीटें, जैसे करहल में उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, चुनाव की तारीख कभी भी आप करा लें, उनका एक मजबूत वोट बैंक है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है, खास करके 2 सीटें कठेरी और जो मीरापुर है, जो मुजफ्फरनगर की सीट है, जहाँ पे सबसे ज्यादा ध्रुवीकरण का खतरा है, वहाँ पे उनके प्रत्याशी बार बार कई बार वो कह रहे हैं कि उनके चुनाव आयोग ने उनके वोटरों के नाम हटा दिए। 20,000 ऐसे नंबर हैं जो बता रहे थे कि वो जिंदा हैं, वो मौजूद हैं, और उनके नाम कट गए हैं। तो ये अंदेशा है, और जब जो चुनाव लड़ता है जमीन पर, तो उन्हें सबसे ज़्यादा इन्हीं चीज़ों का सामना करना पड़ता है। मसलन कि अगर 300 बूथ है एक विधानसभा में, और अलग अलग बूथ कमेटियाँ बनानी है, और अगर उनके लोग ही नहीं, अगर उन पर अलग तरीके से प्रशासन प्रताड़ित करेगी, तो फिर वो चुनाव कैसे लड़ेंगे। तो जो बेसिक दिक्कत है विपक्ष के साथ, वो ये दिक्कत है। हाँ, ये जरूर है कि लोग कह रहे हैं कि अगर आपके पास मुद्दे अच्छे हैं, अगर आप संविधान और आरक्षण की बात कर रहे हैं, तो फिर आपको जनता के बीच और ज़्यादा जाना चाहिए, आपको और ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, जिससे कि आपके जीत का अंतर और बड़ा हो, अगर आप चुनाव जीत रहे हैं तो। लेकिन बेसिक जो चुनाव है, वो चूंकि संसाधनों का होता है, और उसमें विपक्ष के जो उम्मीदवार हैं खासकर, वो थोड़ा कमज़ोर दिख रहे हैं, उनके समर्थकों पर ज़्यादा दबाव होता है प्रशासन का, और वो बार बार इस तरीके के आरोप चस्पा करते हैं। तो चुनाव की तारीख बढ़ने का जो सबसे तात्कालिक नुकसान है, वो विपक्ष के प्रत्याशियों को, उम्मीदवारों को सबसे बड़ा नुकसान यही है, जिसकी वो भरपाई कितना करेंगे नहीं करेंगे, इसीलिए वो ये बार बार सवाल को उठाते हैं। डेट बढ़ने को लेकर के जरूर है कि उन्हें फायदा मिलेगा, एंटी इनकम्बेंसी, अगर इस तरीके की बातें होती है तो जनता के बीच में एक तरीके की मैसेजिंग जाती है, तो ये एक बड़ा सवाल है, और इसीलिए विपक्ष बार बार ये आरोप चस्पा करता है, चुनाव आयोग को सवालों के घेरे में खड़ा करता है, और बार बार कह रहे हैं अखिलेश यादव की टालोगे तो हारोगे। तो निश्चित तौर पर ये एक उनकी, आप कह सकते हैं कि मजबूरी है, लेकिन जो जमीन पर है, जो हम लोग देख पा रहे हैं, वो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो यही है, जो प्रत्याशी बार बार हम लोगों के बीच में कहते हैं, उनके मतदाता कहते हैं, वोटर कहते हैं, ये एक बेसिक दिक्कत है जो तात्कालिक समस्या से उन्हें रूबरू होना पड़ता है, दो चार होना पड़ता है। एक चीज़ और मैं पूजा बता दूं कि देखिए, हाँ, कि झारखंड में भी चुनाव आयोग के पास लोग गए, और 13 तारीख को जब पहले नवंबर को जब पहले चरण का मतदान होगा, तो संभावना है कि यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जब बगल की सीट पर चुनाव हो रहा होगा, और उससे मैं 3-4 किलोमीटर की दूरी पर वो एक रैली को, बड़ी रैली को संबोधित कर रहे होंगे। ऐसी कोशिश है, ऐसी रणनीति बना रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के लोग, तो उस पर फिर भी सवाल उठाए जाएंगे कि चुनाव के वक्त में आप एक राज्य में जहाँ बगल की सीट पर चुनाव रहे हैं, वहाँ प्रधानमंत्री की सभाएं करा रहे हैं, रैली करा रहे हैं, तो ये चीज़ें चलता है, और यार चुनाव आयोग को इसका जवाब देना चाहिए, अब तक कोई जवाब नहीं दिया गया है। लगातार इंडिया गठबंधन के नेता संपर्क कर रहे हैं, तो विपक्ष के नेताओं की चुनाव आयोग कम सुन रहा है, उनकी चिट्ठियों को शायद उतना महत्व नहीं दिया जा रहा है, जितना महत्व जो सत्ता में लोग हैं उनको दिया जा रहा है। बीएसपी एक एक्सेप्शन है, बीएसपी ने भले ही चिट्ठी लिखी है, लेकिन बीएसपी को लेकर भी ये बातें जग जाहिर है राजनीतिक तौर पर, कि बीएसपी का अभी फिलहाल राजनीतिक रुख क्या है। तो ये एक बेसिक प्रॉब्लम है जो प्रत्याशी और विपक्ष को उससे दो चार होना पड़ता है। कांग्रेस की भी तो चिट्ठी को संज्ञान में लिया है ना, तभी पंजाब और केरल में भी तारीख बदली गई है। अब मीरापुर सीट का आपने जिक्र कर ही दिया है, तो एक रिएक्शन आप बोलिए रोहित, क्या कहना चाह रहे थे? देखिए, आपके पत्रकार कह रहे हैं कि भाई मुकदमे लाद दिए जाएंगे। भैया, संविधान के विरुद्ध काम करोगे तो मुकदमे तो लदेंगे ही, अगर अराजकता फैलाओगे तो मुकदमे तो लदेंगे ही ना। तो इसके अंदर भाई हम क्या कर सकते हैं? भैया, आप क्यों अराजकता फैलाओगे, क्यों संविधान के विरुद्ध काम कर रहे हो जो आप पे मुकदमे लगेंगे? दूसरी चीज ये है पूजा जी, बड़ी जिम्मेदारी से मैं कह रहा हूँ कि अपने प्लेटफॉर्म को अफवाह फैलाने का साधन मत बनने दीजिए। कांग्रेस की प्रवक्ता भी कह रही थी कि महाराष्ट्र के डीजीपी नहीं हटाए गए, जबकि महाराष्ट्र के डीजीपी हटा दिए गए हैं, कांग्रेस की डिमांड पे ही महाराष्ट्र के डीजीपी हटाए गए हैं। तो ये झूठ फैलाने
की जो दुकान है नहीं, वो कह रही है वक्त इतना क्यों लिया गया, शिकायत कब की गई थी, फैसला इतनी देर बाद क्यों लिया गया, वो टाइमिंग को लेकर भी सवाल उठा रही है। चुनाव से पहले ले लिया ना मैडम, चुनाव से पहले ले लिया ना कि उससे पहले ही वोट डाल के कांग्रेस बैठ जाएगी अपने डिब्बों में। अरे चुनाव से पहले फैसला ले लिया ना। प्रियंका गुप्ता बोले इशारों पे काम कर रहा है चुनाव आयोग, वक्त थोड़ा सा कम है, प्रियंका गुप्ता जल्दी बोलिए। आरएलडी से पूछना चाहिए किस मुद्दे पे चुनाव में जाएंगे, एक सीट तो मिली हुई है, उसका जरा बता दें कि किसानों को किस मुद्दे पे वोट मांगने पे जाएंगे, युवाओं को रोजगार दे रहे हैं। रोहित जी ऐसे नहीं, रोहित जी प्लीज, उस मुद्दे पे जाएंगे, ऑडियो डाउन करना पड़ेगा मुझे आपका। कौन से मुद्दे पे जाएंगे, वो दो सिलेंडर मिल गए क्या, और यहाँ की बहनों को क्या लाडली नहीं सौतेली बहने हैं क्या, ये बता दीजिए उत्तर प्रदेश की बहनें सौतेली हैं कि नहीं है, आपने कभी कभी पूछा? ठीक है एस एन सिंह जी, फिर मानस मेरे साथ जुड़ गए, मेरे सहयोगी लखनऊ से, उनके पास जा रही हूँ। एस एन सिंह जी,